नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकलस में। दोस्तों, भारत अब तेजी से अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम पर काम करने लगा है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि भारत करीबन 6 SSN जिनका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट 6000 टन का होगा, उन्हें शामिल करेगा और साथ ही 3 S5 क्लास SSBN पर भी काम तेजी से शुरू हो जाएगा और इनका डिस्प्लेसमेंट होगा 13000 टन का। हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस से पता चला था कि भारत भी अपने सेकंड जनरेशन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN पर काम तेजी से शुरू कर चुका है। दोस्तों, भारत को पहले ही रशिया से सहायता मिल चुकी है 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर के लिए, जो कि अरिहंत क्लास की SSBN के लिए था। दोस्तों, अब भारत को अपनी SSN और S5 क्लास की SSBN के लिए एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की जरूरत है, जो कि रशियन डिजाइन पर आधारित OK650V रिएक्टर पर आधारित एक डेरिवेटिव हो सकता है या फिर एक बेहतर संस्करण हो सकता है इस रिएक्टर का, जो करीबन 190 मेगावाट का रेटेड बिजली का उत्पादन करेगा। और इस चीज के लिए भारत को रशिया की तरफ से की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और रशिया का सहयोग भी चाहिए होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर 190 मेगावाट की थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए करीबन 20-45% तक एनहांस्ड यानी कि समृद्ध यूरेनियम 235-2 का इस्तेमाल करता है। यानी दोस्तों, भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को ऑपरेट करने का एक अनुभव प्राप्त है, साथ ही न्यूक्लियर प्रपल्शन टेक्नोलॉजी का अध्ययन करने का भी एक अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। इसके पीछे का कारण है अतीत में रशिया की तरफ से लीज पर ली गई अकुला श्रेणी की पनडुब्बी का, जिसका इस्तेमाल भारत हमेशा से करता आया है। और यही वजह है कि भारत अगले 5 वर्षों में रूस से 2 और अकुला श्रेणी की पनडुब्बियों को पट्टे पर देने की योजना बना रहा है, ताकि इनका इस्तेमाल भारत अपनी न्यूक्लियर प्रपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए कर सके, ताकि भारत अपने इस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा सके। दोस्तों, यहां पर हमको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय परमाणु पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए रूस की सहायता एक लिमिटेड रही है, लेकिन दोस्तों, रशिया की वजह से ही भारत को परमाणु पनडुब्बियों तक की पहुंच मिली है। वहीं दोस्तों, भारत ने हाल ही के वर्षों में फ्रांस के साथ भी अपने संबंध मजबूत बना रखे हैं। फ्रांस ने भारत को SSN प्रोग्राम के विकास के लिए अपनी विशेषज्ञता की भी पेशकश की है, लेकिन फ्रांस हमें पूरी तरीके से तकनीक नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको ऑकस के बारे में तो मालूम ही है, जिसमें कि अमेरिका और UK दोनों ही देश ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को देने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु प्रपल्शन टेक्नोलॉजी को साझा भी करेगा, लेकिन जब भारत ने इसकी पेशकश की थी अमेरिका के साथ, तो उन्होंने खारिज कर दिया था। और इसका खामियाजा दोस्तों, भारत को आने वाले वक्त में तो भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए दोस्तों, अब भारत परमाणु पनडुब्बी प्रोग्राम के विकास के लिए और परमाणु यानी कि न्यूक्लियर प्रपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता, और उन पर अब भरोसा करना भी नहीं चाहता भारत, क्योंकि दोस्तों, ये देश ऐसे देश हैं जो भारत को इस टेक्नोलॉजी से वंचित रखना चाहते हैं और आने वाले दशकों में भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब भारत की स्ट्रेटेजी क्या है, वो भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, भारत अपने पुराने सहयोगी रशिया के पास ही जाएगा, चाहे भारत पर ये जो पश्चिमी देश है वो दबाव भी डालें या फिर प्रतिबंध लगाए, भारत ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और इसका उदाहरण आपने देख लिया होगा आज के दौर में, जिस तरीके से पूरी दुनिया के लिए भारत एक हब बन चुका है। भारत ने S-400 भी लिया, इसके अलावा रशिया से भी अपनी तेल की डील को फाइनल कर दिया। तो आने वाले समय में ऑब्वियस बात है, भारत न्यूक्लियर प्रपल्शन टेक्नोलॉजी और अपने परमाणु पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए रशिया के साथ ही गठजोड़ करेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से दोस्तों, आपने देख लिया कि फ्रांस, UK और अमेरिका, इनके चेहरे आपको साफ तौर पर देखने चाहिए कि ये देश वो देश है जो भारत को इस तकनीक से दूर रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नमस्कार।